अरे भाईजान पहले आप जाइएगा। 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 अरे भाईजान आप मुझसे छोटे हैं तो पहले आप जाइएगा। अरे आप चलिए भाईजान पहले। अरे पहले आप भाईजान। अरे आप मुझसे बड़े हैं ना तो पहले आप चलिए। ज़ेरॉक्स कॉपी? नहीं, फोटोकॉपी। बहुत मासूम है संतोष जी। उफ, मासूमियत। अरे भाई, महिला पुलिस थाना का दरवाजा बहुत बड़ा है भाई, अब दोनों आदमी साथ में चले आइए, इसमें का। वैसे एक चीज मानना पड़ेगा भाई, आप दोनों लोग में प्यार बहुत ज्यादा है, नहीं तो ऐसा वसेपुर जैसा दुनिया में हम साथ साथ है देखने को बहुत कम मिलता है। भाभी कंफ्यूज नहीं होते? अच्छी थी। आप यहाँ किस काम से आए थे? कंप्लेंट लिखवानी है। किसके खिलाफ? इनके खिलाफ। क्या? तो आप दोनों ही लजीज कबाब के नाम से अपनी अपनी दुकान चलाते हैं? हाँ जी। और लंदन में जो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक होने वाला है उसमें आपके लजीज कबाब का सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी। तो आप दोनों के बीच में झगड़ा इस बात का है कि वहाँ जाएगा कौन? हाँ जी। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपने हमारी सुन ली। हमारी तरफ से आपको 101 रुपए का दान और गाय का 1 लीटर ताजा दूध पक्का। क्या केस थमाया आपने करिश्मा मैडम को? दो भाइयों का झगड़ा सुलझाना, और वो भी ऐसे दो भाई जो झगड़ा करते समय भी मुंह से बस फूल ही झड़ते हैं। अरे आप ललन गलन हो ना लजीज कबाब वाले? जी माफ कीजिएगा। माफी क्यों मांग रहे? क्या बढ़िया कबाब बनाते हैं आप। नहीं भाई जान, हमारे कहने का मतलब था आपने हमारे यहाँ के कबाब खाए हैं? हाँ हाँ खाए ना, लेकिन चोरी करके खाए। लेकिन अपनी चोरी की कमाई की कसम खा के कहते हैं, क्या बढ़िया कबाब थे। पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ में क्या, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है आपके लजीज कबाब। फिर तो जरूर भाईजान हमारी दुकान के खाए होंगे। अरे भाईजान आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा बेस्ट कबाब, फिर तो हमारे यहाँ के होंगे। अब चाशनी में पैदा हुए थे क्या? नहीं। या आप लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे का खैर खबर ले रहे हैं? नहीं मतलब कुछ एक्शन होना चाहिए था ना, आप एक कंटाप झड़ते, ये घुसंड मारते, आपको तो थोड़ा मजा आता हमको। नहीं मतलब आप हमारे थाने को बेडरूम समझ लिए जो यहाँ के बकैती कर रहे हैं, और इतना ही भाईचारा है आप लोगों में तो साथ में कॉम्पिटिशन में काहे नहीं जाते हैं? कॉम्पिटिशन में तो एक ही बंदा जाएगा, पर हाँ वैसे हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, हम दोनों में प्यार बहुत है, लेकिन अब्बा जान ने हमें सिखाया है कि पर्सनल लाइफ और काम को अलग रखना, कभी मिक्स मत करना। और वैसे भी अब्बा जान की सिखाई रेसिपी तो हमारे पास है, इसलिए हम ही जाएंगे कॉम्पिटिशन में तो। अरे भाई जान आपने फिर हमारी डबिंग कर ली, अब्बा जान की रेसिपी तो हमारे पास है, हम ही इसके हकदार हैं, हम ही जाएंगे कंपटीशन में। अरे भाईजान हम जाएंगे? नहीं भाईजान हम जाएंगे। अब बस कर रहे भाईचारा, चौंक लिया हमारा दिमाग दोनों की दोनों। देखो लल्लन, नहीं हम कल्लन हैं। हाँ जो भी हैं, ये जो आपका ये झगड़ा है ना, ये अपने घर जाके सुलझाइए आप। हम आपकी अम्मा की बहन नहीं लगे हैं जो आपका ये मसला यहाँ सुलझाएंगे। मैडम जी गौर तो फरमाइए। देखो भैया, ऐसे अगर हम ज्यादा गौर फरमा देंगे ना तो जिंदगी भर दोनों को गलौटी कबाबी खाने पड़ेंगे। मतलब ई मियाँ के ऐसे थोबड़े भार से घुसा पड़ेगा तब तो सारा दांत टूट जाएगा, उसके बाद पूरी जिंदगी गलौटी कबाब ही खाना पड़ेगा ना ऐसे, समझे? खैर कोई बात नहीं, कलन मियाँ। नहीं हमारा लल्लन है। मालिक आप लोग जो भी हो, चलिए हम बाहर तक छोड़ आते हैं आप लोग। मजा आएगा। ठीक है, हम आपका प्रॉब्लम समझ गए, हम करेंगे आपकी मदद। शुक्रिया। चलिए आप लोग हमारे साथ। हम आओ, एक पॉलिसी के डबल रिटर्न अंदर क्या बोले थे कटने के लिए, कटे क्यों नहीं अभी तक? और आपने इनका केस क्यों नहीं लिया? मैडम एक सेकंड, मैडम सर हम, ये कोई केस है? इतना टुच्चा सा केस है ये। करिश्मा सिंह, ये महिला पुलिस थाना है, तो दूसरे पुलिस स्टेशन जो केस नहीं लेते हैं वो केस हम सुनते हैं, फिर चाहे वो क्रिमिनल हो या घरेलू, हमारे पास जो भी आए वो यहाँ से निराश होकर वापस नहीं जाना चाहिए। मैडम सर ये इनका पर्सनल मामला, इनको पर्सनली सुलझाना चाहिए, अब ऐसे छोटे मोटे केस में हम कैसे कूद पड़े? छोटा हो या बड़ा केस केस होता है,
और वैसे भी ये दोनों हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो केस तो अपने आप बड़ा हो ही गया ना। ठीक है, अब नहीं सॉल्व कर सकती तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। नहीं नहीं, हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इस केस को। अरे नहीं 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 मैडम सर, ये तो देश के गर्व की बात है, इतना बड़ा केस करिश्मा मैडम अकेले सॉल्व कर ही नहीं पाएंगी। आप ये केस अपने हाथ में ले लीजिए, देश की इज्जत के साथ समझौता नहीं। हाँ, आपने आज ठान लिया ना कि आप लाल कपड़ा नहीं छोड़ेंगी अपने हाथ से, और देश की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम ये केस सॉल्व करेंगे और एक घंटा के अंदर सॉल्व करेंगे। चलो भैया जी, आपकी दुकान पर आपके दुकान के कबाब खाएंगे, तो ही हम तय कर पाएंगे ना कि किसके कबाब कॉम्पिटिशन में जाने लायक है। कबाब खाने जा रहे तो मैं भी चलूंगी। हम भी, हम भी। मैडम मैं भी आऊंगा। तुम पहले चाय तो बनाओ अच्छी। हम भी आएंगे। अच्छा, आप तो वेजिटेरियन है ना पुष्पा जी, आप यहीं रुकिए, हम केस सॉल्व कर आएंगे मिठाई के साथ, फिर उसके बाद आपके मुंह से शायद कुछ मीठा निकल जाए। चलिए। अरे भाईजान पहले आओ, अरे भाईजान पहले आओ, भाईजान आप बड़े पहले आओ, भाईजान आओ छोटे पहले आओ, भाईजान पहले आओ। जय मैडम सर। आई कबाब खिलाएंगे। आजा आजा बेटो। दोनों तरफ के लदीज कबाब पेश किए जाए। बिल्कुल स्पाई नोज फरमाइए। ये कल्लन का है, ये लल्लन का है। चलिए। हाँ मैडम जी बताइए, किसके कबाब लाजवाब हैं? कौन है कंपटीशन में जाने के असली हकदार? पसंद नहीं आया दे दे। संतोष जी, नया संतोष जी, पूरा जिंदगी में आपके बाद अगर हमको कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है ना, कोई कबाब है। इन दोनों में से तो चुनना उतना ही मुश्किल है। संतोष जी, हाँ संतोष जी, इन दोनों में से चुनना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे में और शाहरुख खान में चुनना। नहीं, इन दोनों में से चुनना उतना ही मुश्किल है जितना करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच चुनना है। हाँ। दो प्लेट और लेकर। जी मैडम। संतु, हाँ? पट्टी बांधो। नोश फरमाइए। हाँ भैया, लाओ दोनों प्लेट में से एक एक का कबाब। हाँ। एक मिनट, सेम प्लेट से दोनों कबाब दिए क्या हमको? नहीं नहीं, मत बोलना। नहीं, अलग अलग प्लेट से थे। ये पकड़ो। अम्मा, तुम्हारा कबाब तुम दोनों की तरह जुड़वा है जी। एक मसाले का फर्क नहीं है इसमें। करिश्मा मैडम, क्या आपसे नहीं हो रहा है तो मैडम सर को बुला लें। मारेंगे एक
ये कबाब खाने के बाद पता चल रहा है कि ये केस सॉल्व करना खाने का काम नहीं है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी हसीना मलिक की। सर माफ कीजिए, हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? अरे बहुत बड़ा गुनाह किया आपने। लल्लन और कल्लन का कबाब खाया आपने? हमने खाया है। लल्लन और कल्लन में से किसी एक को चुनना जैसे बिरयानी और शौरमा में से किसी एक को चुनने जैसा है। ऐसे इंपॉर्टेंट केस में किसी सीनियर को जाना चाहिए। सर सीनियर को ही तो भेजा था, करिश्मा सिंह यहाँ की SHO है। हाँ, और आप ही ने बनाया उन्हें SHO। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने उन्हें भेजा। फिर भी हम खुद एक बार वहाँ जाकर सब कुछ चेक कर लेंगे। सीनियर कहाँ है हमने? सीनियर बात जब कबाब, हमारा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के रुबाब, हिंदुस्तान का सम्मान, जहाँ हिंदुस्तान का सम्मान की बात हो वहां पर किसी सीनियर को ही जाना चाहिए। इतना टेस्टी, हमारा कहने का मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट केस इस थाने में आया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी मिस मलिक जी। और पुष्पा जी, आपको भी हमारी याद नहीं आई? वहां पे लोग कबाब पे कबाब खाए जा रहे हैं, हमारे लिए ये 5 रुपए के पकौड़े और 2 रुपए की चटनी, हमारे साथ उपवास वाला सुलूक क्यों? एक सीनियर होने के नाते हमें खाने की आजादी नहीं है। सर करिश्मा सिंह केस सॉल्व करके अभी आती होंगी, हम उनसे कह देते हैं कि आपके लिए कबाब पार्सल करके ले आए। हाँ, आप प्लीज इत्मीनान रखिए। नहीं रखूंगा, कतई नहीं रखूंगा। जब तक यहाँ पे कबाब नहीं आ जाते, हमारा कहने का मतलब है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखो भैया, तुम्हारी किस्मत का फैसला तो अब हो गया राम भरोसे। हम ये कॉइन को टॉस करेंगे, अब यही बताएगा कि कौन सा कबाब इंटरनेशनल फूड कंपटीशन में जाएगा। समझ गए? हाँ तो बताओ कौन हेड और कौन टेल। अरे भाईजान पहले आप बोलिए। अरे भाईजान पहले आप बोलिए। भाईजान आप बड़े हैं, पहले आप बोलिए। नहीं भाईजान आप छोटे हैं, तो इसलिए आप बोलिए। अरे चुप, तुम हो क्या? बकैती करते करते थकते नहीं हो क्या? नहीं। देखो भैया, हम इसको उछाल रहे हैं, अब डिसाइड कर लो कि कौन पहले कौन बाद में। लजीज कबाब का मालिक कौन है बे? जी हम हैं, हम हैं असली लजीज कबाब के मालिक। अरे बड़े भाई जी, आप फिर ने हमारी लाइन कॉपी कर ली, असली मालिक तो हम हैं। क्या आप अवार्ड देने आए हो? अवार्ड नहीं, नोटिस देने आए। अवार्ड का नोटिस? नोटिस दुकान बंद करने का। तुम दोनों में असली मालिक कौन है बे? अरे भाईजान सही कह रहे थे, असली मालिक तो यही है। नहीं नहीं भाईजान सही कह रहे थे, असली मालिक ये है। नहीं भाईजान असली मालिक आप हो। नहीं नहीं असली मालिक ये है भाईजान। भाईजान शांत रहिए जी, किस बात का नोटिस लेकर आए हैं? इन दोनों पे चोरी का आरोप है मैडम। चोरी? कैसी चोरी? ये दोनों जिस लजीज कबाब की रेसिपी पे अपना दावा ठोक रहे हैं वो इन्होंने टपाई है, मतलब चोरी की है। चुराया हुआ है? अरे ये तो फिर हमारे बिरादरी की निकले, पर चोरी भी किसकी? लजीज कबाब की। अब तो हम हक से आएंगे, रोज आएंगे और लजीज कबाब खाएंगे। किससे चुराई ये रेसिपी? हमारे बॉस से। किधर है तुम्हारा बॉस? चिड़िया? ये कौन है? ये है हमारे बॉस मिस्टर बिल स्मिथ, CEO ऑफ यो इंटरनेशनल कबाब, लंदन में रहते हैं और इस ड्रोन के जरिए हम सबको देख सकते हैं और हम सबसे बतियाएंगे भी। वाओ,
मतलब ये भी बिल्लू मैं भी बिल्लू सेम 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 ए, क्या सेम सेम तुम आदमी हो चिड़िया है मिस्टर बिल बिलियनार हैं और उनकी बिल्ली का खर्चा तुम जैसे इल्लू बिल्लू से बहुत ज्यादा है समझो एक मिनट आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो बहुत कायदे से तो ठीक है I own the patent of kebab recipe. हम इस कबाब का रेसिपी के मालिक हैं। पर किसी दो टके के इंडियन ने हमारा रेसिपी चुराया है। और अब वो इंटरनेशनल फूड कंपटीशन में नहीं, सीधा जेल में जाएगी। Also, that stupid Indian thief. हमें बताओ, कौन है वो चोर? अम्मा क्या चोर चोर का शोर लगा रखा है तुमने? लखनऊ पुलिस है महिला पुलिस थाने की SHO. चोर को ना हम 10 किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेते हैं और हमारा नाक आज कह रहा है कि इन्होंने चोरी नहीं किया है ये इनके अब्बा का रेसिपी है This is my recipe. लगता है तुम पुलिस का औरत भी चोरों से मिली हुई है इंडिया में सब चोर ही होते हैं क्या बोला ये टोपा क्या बोला इंडिया के हवा में घूम रहा है इंडिया का कबाब खाता है और इंडिया को गाली देता है ना कटो वरना इस उरण कठोले से ना तुम्हारे इस बॉस को खींच के ऐसा मार मारेंगे ना कि इनकी सातों पीढ़ियां भारत माता की जय हो ये नारा लेके पैदा होंगी समझे मैडम ऐसा है कि हम ये दुकान बंद करवाने आए हैं और बंद करवा के जाएंगे अबे बकायतो Protectors and protect the thieves. Indian police not just breaks the law, but also the lawyers. Is this Indian police or goon? एक तो वैसे ये दोनों भाइयों का केस हमसे सुलझ नहीं रहा है। ऊपर से आपने नई मुसीबत खड़ी कर दी। वाह, क्या बात है? कबाब अच्छे हैं ना सर? हाँ, अच्छे। ललन के? हाँ, ललन के। कल्लन वाले हैं संतू जी। नहीं चिति ये ललन के अरे ये वाला कल्लन का है संतोष दोनों कल्लन का नहीं हो गया काम कर ले जी सर करिश्मा सिंह जी आपने तो SHO बनने के बाद कमाल ही कर दिया मिस मलिक ने तो इस महिला पुलिस थाने का डंका केवल लखनऊ में बजाया था किंतु आपने तो इस महिला पुलिस थाने का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया चट्टी डालना जी सर लीजिए ना ये कल्लन वाला है सर जीते लल्लन वाली है कल्लन वाला हाँ पता है लाजवाब कर दिया है आपने हमें क्या छीछाले इधर मचा के रखा है लोग पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं पुलिस चोर भाई भाई कह रहे हैं वर्दी वाला गुंडा कह रहे हैं तो हम क्या करते सर वो विदेशी धूम हमारे भारत को गाली दे रहा था चोर चोर कह रहा था तो हम हाथ पे हाथ धरे खड़े तो नहीं रह सकते थे लगा एक कंटा खींच के और तबीयत से धुलाई कर आए इसमें हम का गलत कर दिए सर बस कीजिए करिश्मा सिंह खून में उबाल पूरे शहर में बवाल करिश्मा सिंह जी आपने तो कंटा बजा दिया लेकिन यहाँ पर जो ऊपर से नीचे तक फोन बज रहे हैं हम उनको क्या जवाब दें या उनको भी बुला के 3-4 कंटा बजा दें सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अब हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए हम कल तक रिस्पॉन्ड कर देंगे यू बेटर अपने ऑफिसर पे लगाम लगाइए जी सर जय जय सर सर कबाब ललन वाले
कलन वाले हैं संतोष जी? ललन है। कलन वाले? नहीं, ललन कलन बस। ललन वाले। कलन वाला देख लिया मैडम सर, इसलिए हम कह रहे थे इन्हें अकेला मत छोड़िए, इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अब देखा ना कितना बड़ा कांड करके आई। आप ठीक कह रही हैं पुष्पा जी, गलती हमारी ही है। पूरा केस इन्हें अकेले हैंडल करने के लिए हमें देना ही नहीं चाहिए था, इसलिए अब ये केस हमारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं मैडम सर, आपने हमें प्रॉमिस किया था कि जब तक हम आपको नहीं कहेंगे आप इस केस में इंक्लूड नहीं होंगी। ये केस अब भी हमारा है। लेकिन ये केस अब आपके काबू के बाहर जा चुका है। हम जो गलती एक बार कर चुके हैं दोबारा नहीं करेंगे। मैडम सर, हम भी यही कह रहे हैं कि जो हमने गलती किया है, हमसे जो ये बवाल हुआ ये हम ही समेटेंगे। लेकिन अब ये सवाल देश के रुतबे का है करिश्मा सिंह। हम जानते हैं मैडम सर, हम देश का नाम बिल्कुल मिट्टी पलीत नहीं होने देंगे और देश का गौरव एकदम बरकरार रखेंगे। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लल्लन और कल्लन चोर नहीं है। एक बात और हम बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि अगर भारतीय पुलिस अपने पे आ गई ना तो उसके जैसा भौकाल और किसी पुलिस का नहीं है। हम संभाल लेंगे मैडम सर। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब आप अकेले नहीं हैंडल कर सकती। मैडम सर देखिए आप, बस करिश्मा सिंह, हम अब भी आपके सीनियर हैं, इसलिए आप चाहें या ना चाहें इस केस में हम इन्वॉल्व्ड हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।